On September, three of our Wushu players from Arunachal Pradesh was uh, denied visa to enter China, due to which they couldn't perform in the Asian Games 2023. Reacting to this, our Chief Minister Pema Khando did come into action and they did say that the three players would be given a cash incentive uh, of 20 lakhs each but sadly our government failed to acknowledge one of our players, namely bojim marabum, who was selected to play in the, under the category of men's blind football squad. he was about to perform in the fourth para asian games 2023. he too was denied visa to enter china and hence couldn't perform in the <laughs> fourth para asian games 2023. Uh, sadly, the government couldn't come up with any statement on his visa denial and a no cash incentive was announced for this player. reacting to this incident, paralympics association of arunachal did come up with a statement and has written uh, to the chief minister's office giving insight into this incident to why no cash incentive was announced for this player while wushu players were given a cash incentive.

अपने काफ़ी दिन से और देर फर्स्ट से पैरा और अरुणाचल में जब से आया तब से आप लोग ने जब भी कुछ इशू ने से फॉलो कर देते रहते हैं तो इसलिए आप सभी का न्यूज़ चैनल को थैंक यू और फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ पर्सन ऑफ दिशा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश आपने बहुत साथ सा देते आया तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये क्योंकि एक प्लेयर जो जब कंट्री को रिप्रेजेंट करने जाता है तो उसका पीछे में काफ़ी मेहनत होता है लगन होता है कून पसीना बहा के अपना कंट्री को अपना स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे खेल का वो स्टोरी जो कभी शॉर्टकट नहीं होता है तो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करके एशियन लेवल तक पहुंचना भी बहुत एक बड़ा अचीवमेंट है हमारा स्पेशली अरुणाचल जैसे का स्टेट लोगों का क्योंकि यहाँ में आप लोग जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ हमारा फेरा ओलंपिक के लिए आपका फैसिलिटीज नहीं है कोचेस नहीं है लेकिन अभी हमारा युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू सर और इस्पोर्ट मिनिस्टर मामा नतुंग का नेतृत्व में काफ़ी बदलाव आया है हम लोग देखने को मिल रहा है आप सभी भी हम लोग भी देख रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं तो ये एक पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का तरफ से हमारा अरुणाचल एथलीट्स को श्री बोजे मारबोम को ब्रांड फुटबॉल स्कॉट में सिलेक्ट किया गया था दिफेंदार का रूप में तो पहले हम इशू जब ओलंपिक एसोसिएशन लोग अपना खिलाड़ी लोगों को इस, जब इशू कर रहा था इशू उतार रहा था तो उसमें हम लोग इसलिए इशू नहीं उतार पाए क्योंकि ओलंपिक होने का बाद पैरा ओलंपिक गेम होता है सेम लाइक एशियन पैरा एशियन एशियन गेम का बाद हमारा एशियन पैरा गेम भी होता है तो इस बार हम लोग ए, अंदर अंदर जो हम लोग बहुत कोशिश किया और हमारा यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर अनुरद्ध सिंह ठाकुर भी बहुत कोशिश किया है हमारा प्लेयर को क्योंकि इंडिया टीम भी चाहता था कि हमारा बोजे मार्बम को एशियन गे पैरा गेम पे ले जाएगा क्योंकि वो एक बेस्ट डिपेंडर था तो हम लोग कोशिश करने का बाद में जब टीम पूरा खेल के आ गया तो हमारा प्लेयर जाने नहीं सका है तो दी तू चाइनीज वाला लोगों ने और नचल है बोल के जाने नहीं दिया है क्योंकि ही नहीं, नहीं मिल रहा था उसमें तो विजय ऐशू के लिए हम लोग जाने नहीं सका है तो इस रिगार्डिंग पे उस ऊपर पे हम लोग अपना स्टेट का गवर्नमेंट को हम लोग एक मेमोरेंडम दर्ज किया था उस दिन सेवेंटीन को तो आज कुछ दिन हो गया लेकिन आज भी हम पायल को पीछे करने के लिए आया था तो हमारा मिनिस्टर लोग नहीं है छुट्टी में कहीं आज तो स्टेशन है इसलिए पायल जैसे का ऐसे रह गया लेकिन भी हम उम्मीद करते हैं हम लोग दे फर् से हमारा स्टेट गवर्नमेंट हमारा पर्सन दिशीस लोगों को सपोर्ट करके और मदद करके आया है और हमारा पैरा एथलेटिक को स्पेशली हमारा आ, युवा मुख्यमंत्री पेमा कंडू सर बहुत कंसर्न में है और साथ देते आया है तो उम्मीद करते हैं कि ये इशू को भी हमारा स्टेट का जो सरकार ने और जो अभी गवर्नमेंट चला रहा है वो पूरा फुलफिल कर देंगे हम खुशी है उम्मीद भी है और क्योंकि इस तरह का इंकरेजमेंट मिलेगा तो हमारा आने वाला यंग जनरेशन जो दिव्यांगजन बच्चों लोग इंक्रेजमेंट मिलेगा और भी और स्पेशली अभी दिव्यांगजनों को हमारे स्टेट में क्योंकि हम लोग टू से करके आया है पेरेंट लोग थोड़ा डर लगते हैं अरे कुछ कमियाँ भी है उसका ऊपर में फिर खेल कूद करेगा तो फिर उसमें और इंजर हो सकता है उसमें और दिक्कत आ सकता है बोल के ये इंक्रेजमेंट नहीं मिल रहा है अभी लेकिन इसी तरह से गवर्नमेंट का वहाँ में कुछ स्कोप होने से कुछ ऐसे प्रोविजन होने से फैसलिटीज होने से हमारा दिशातीस पेरेंट लोगों का बच्चे का पेरेंट लोगों भी समझेगा हाँ उसको आगे जाने देगा ये स्कोप है क्योंकि ये बहुत एक जरूरत है क्योंकि अगर रूल का मुद्दा बोलने से इस्पोर्ट को दबकंदा कर मिनिस्ट्री का मुताबिक ओलंपिक का मेडल और पैरा ओलंपिक का मेडल जो इक्विवेलेंस है उसके बाद आप रिसेंटली देखा है खेलो इंडिया पैरा गेम भी दिल्ली में आयोजित किया था हमारा अरुणाचल से हम लोग पाइफ एथलीट रिप्रेजेंट किया था स्टेट को और हम लोग खाली हाथ नहीं आया है हम लोग हमारा स्टेट का नाम रोशन करके मेडल जीत के आया है तो ये पहला कदम में ऐसे मेडल जीत के आया है तो उसमें लगता है कि हमारा दिव्यांग जानों में भी कुछ कमी नहीं है हाँ उनको एक प्रॉपर फैसिलिटीज का जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत है और सरकार को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एशियन पैरा गेम में जिसको सिलेक्ट किया गया है वो हमारा प्लेयर का कोई गलत नहीं है हाँ हम लोग का कुछ गलत नहीं है लेकिन ये आपका चाइनीज गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश को है बोल के जाने नहीं दिया वो हमारा इश्यू नहीं है और जैसे अपने पहले खुशू प्लेयर को अपने एक पर प्लेयर को ट्वेंटी लैक्स देने के लिए आपने एश्योर किया ऐलान किया इसी तरह का हमारा फेरा ओलंपिक प्लेयर लोग को भी सेम इक्वैलेंस में ट्रीट कर दीजिएगा बोल के ये हमारा रिक्वेस्ट है ये हम पूरा उम्मीद है इस इशू इस को हमारा सरकार जरूर मानेगा और हमारा दिव्यांग दिव्यांगजानों को जरूर फैसिलिटीज देगा और हमारा दिव्यांग दिव्यांगजानों बच्चों का पेरेंट को भी जरूर खुशी होगा क्योंकि इस तरह से होगा तो और भी इनक्रेजमेंट होगा हमारा दिव्यांग दिव्यांगजानों Uh, बहुत पोटेंशियल है स्टेट में और बाकी स्पोर्ट इवेंट में भी अभी आपका पैरा ओलंपिक में ट्वेंटी तो एस स्पोर्ट डिसिप्लिन है हाँ ओलंपिक में जितना स्पोर्ट इवेंट है पैरा ओलंपिक में भी वही स्पोर्ट है सिर्फ उसमें पैरा ओलंपिक में, में दिव्यांगजन बच्चों लोग खेलते हैं ओलंपिक में एवल बुद्धू लोग खेलते हैं यह सिर्फ फर्क है आपका मेडल का तेली बोलो उसका वैल्यू इक्वैलेंस है सरकार का जॉब में फेसिलिटीज़ में पूरा इक्वेलेंस है लेकिन हमारा स्टेट में कुछ लोग पेरेंट लोग मालूम नहीं है उनको इसलिए अभी हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं और इसी चीज़ को सरकार इनिश्चित करके करेगा तो और भी हमारा दिव्यांगजन बच्चे लोग खेल कूद में और भी इन्वलॉवमेंट आएगा अभी जो प्लेयर्स के बारे में अगर बात किया गया किया जाए या वो दिव्यांगजन हो या ना हो प्लेयर जो जब भी चाइना में गेम हम लोग का जो कंपटीशन होता है तो हमेशा अरुणाचल के प्लेयर्स लोगों को ये स्टेपल वीज़ा का इशू फेस करना पड़ता है सर जी ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि हम एक इंडियन हैं हम कहीं दूसरा अलग नहीं है क्योंकि हम यहाँ अरुणाचल में रहते के हम लोग बहुत प्रत मैसेज करता है कि हम एक इंडियन हैं लेकिन चाइनीज़ वालों ने किस इशू पे हम लोग को वह जाने नहीं देता है पता नहीं है क्योंकि हम चाइनीज से कुछ स्पेशलिटीज़ आज तक एक टुकड़ा मिला नहीं है और इस इशू इस को लेके हम लोग अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिल के हम लोग मीटिंग भी बहुत चर्चा किया है हम लोग जो तो ये एक सरकार उसको एक टॉप लेवल में उसको एक डिसीजन करना चाहिए क्योंकि इस तरह से होगा तो हमारा आने वाला जो खिलाड़ी है वो एक अगर क्योंकि इसमें क्यों हम लोग को इस इश्यू को ज़्यादा उतारना पड़ रहा है कि चाइना में बहुत इस स्पोर्ट बोलने से स्पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा है वहाँ में क्योंकि आने वाला में ओलंपिक को भी वो लोग होस्ट कर सकता है क्योंकि एशियन में बोलो तो एशियन का तो मैक्सिमम चाइना में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो क्योंकि स्पोर्ट इवेंट जब वर्ल्ड लेवल का स्पोर्ट इवेंट करने से वो लोग पहले देखता है कि उसका जगह में उसका स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है पिल कैसे है ग्राउंड कैसे है तो इस तरह का फैसिलिटीज़ जो चाइना में बहुत सारा है तो इसलिए आने वाला दिन में एशियन गेम हो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो गया हाँ कॉमनवेल्थ हो गया ओलंपिक हो गया अभी जैसे हम अभी साथ साथ में हमारा पैरा ओलंपिक भी पैरा एशियन गेम पैरा चैम्पियनशिप कुछ भी इवेंट चाइना में होगा तो हमारा अरुणाचल को ऐसे ही होते रहेगा तो इसलिए उसको एक ए, हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों वो अभी मिलके उसको एक टॉप लेवल में एक डिसीजन होना चाहिए कि अलग इशू होने से भी प्लेयर को डिप्रेप नहीं होना चाहिए क्योंकि प्लेयर जो एक इवेंट में जाने के लिए उससे पहले हम लोग बहुत मेहनत करना पड़ता है और बहुत कुछ को सेक्रीफाइज भी करता है इतना सेक्रीफाइज होने का बाद भी अगर इवेंट में जाने नहीं सकता है प्लेयर जो एक डिस्करेज हो जाता है ऐसे होता है तो इसलिए हम सरकार को रिक्वेस्ट करता है इस इशू इस को बाकी को हम नहीं बोल प्लेयर के लिए हाँ जिससे देश के लिए जो खेलता है उनको इस तरह का प्रॉब्लम फेस होने नहीं देना चाहिए Looking into this matter, we tried to question the sports secretary, the chief minister's office and also to uh, the sports minister, Mr. Mamanatung. We tried to get in touch with them, but as I've been told by the employees of their respective offices, they said that they are not in station right now. The sports secretary is on leave and he will be back only in January. The uh, chief minister is currently on tour. Currently, he's touring Tawang and he will be back only days later. Mamanatung is also not in station right now. Due to their absence, we failed to question the government on why a para athlete was denied of the incentives when the wushu players were given incentives. and immediately recognized when the China denied their visa and they were unable to play in the Asian Games 2023. The para athlete was also chosen to play in Para Asian 2023. Why was he not recognized when his visa was denied? But worry not, we will be raising this question in the coming days uh, to the government. Till then, keep watching Space for more updates.